नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ENZ नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो जैसा कि हमने देखा है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर का नोमेनक्लेचर दो तरीके से होता है। वन है कि सीस एंड ट्रांस, अनदर है ENZ नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो कब सीस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर देना है और कब ENZ नोमेनक्लेचर देना है, आइए देखते हैं। तो जैसे कि कोई भी ये कार्बन है, सो दोनों कार्बन पे सिमिलर ग्रुप है, लाइक यहाँ पे OH हो गया और हाइड्रोजन हो गया, सेम वे यहाँ पे OH हो गया एंड हाइड्रोजन हो गया। तो डेट मीन्स दोनों कार्बन पे सिमिलर ग्रुप है, तो उस टाइम हम देंगे सीस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर। बट यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये कार्बन पे आयोडीन एंड ब्रोमीन है और ये कार्बन पे फ्लोरिन एंड क्लोरिन, तो इस टाइम हम सीस एंड ट्रांस नोमेनक्लेचर नहीं दे सकते, तो उसके लिए नोमेनक्लेचर सिस्टम आएगा ENZ नोमेनक्लेचर सिस्टम। सो आइए देखते हैं मीनिंग क्या होता है ENZ। सो दोनों लैटिन वर्ड है, ई का मीनिंग होता है एंटी, जेजिन, जेड का मीनिंग होता है जुसामेन, एंड मीनिंग ऑफ ई मीन्स अपोजिट साइड, मीनिंग ऑफ जेड मीन्स सेम साइड्स। नाउ अपोजिट साइड एंड सेम साइड, दैट मीन्स टू प्रायर ग्रुप आर अपोजिट साइड, देन इट इज कॉल्ड ई कन्फ्यूग्रेशंस। इफ टू प्रायर ग्रुप आर ऑन सेम साइड, देन इट इज कॉल्ड जेड कन्फ्यूग्रेशंस। सो ये देखते हैं थ्रू वेरियस एग्जाम्पल। तो लेट अस डिस्कस द एग्जांपल फर्स्ट। सो तो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो फर्स्ट रूल्स आता है इसमें, गिव द नंबरिंग टू डबली बॉन्डेड कार्बन, तो उसको रोमन नंबर दे दो 1 एंड 2। ओके, नाउ उसके बाद क्या करना है कि कार्बन नंबर 1 पे कौन सा प्रायर ग्रुप है, तो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, तो प्रायोरिटी कैन बी डिसाइड बाय एटॉमिक नंबर ऑफ द ग्रुप विच इज अटैच विथ द डबली बॉन्डेड कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का प्रायोरिटी कम होगा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका 8 है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी गिवेन टू द हाइड्रोक्सी ग्रुप, सेकेंड प्रायोरिटी विल बी गिवेन टू द हाइड्रोजन। सो ऑन फर्स्ट नंबर ऑफ द कार्बन प्रायर ग्रुप हाइड्रोक्सी हुआ कंपेयर टू हाइड्रोजन। नाउ लेट अस डिस्कस ऑन सेकेंड नंबर ऑफ द कार्बन, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है, सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हुआ फ्लोरीन, सेकेंड प्रायोरिटी हुआ ऑक्सीजन। तो दोनों प्रायर ग्रुप आर ऑन सेम साइड ऑफ द प्लेन, सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड, तो उसको बोलेंगे हम जेड कन्फ्यूग्रेशन। जेड मीन्स जुसामेन एंड मीनिंग ऑफ जेड इज सेम साइड, सो अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप, अरेंजमेंट ऑफ द प्रायर ग्रुप ऑन सेम साइड विच इज कॉल्ड जेड कन्फ्यूग्रेशन। तो ऐसे ई जेड कन्फ्यूग्रेशन दिया जाता है। आइए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो दिस इज द अनदर एग्जाम्पल। तो जैसे हमने पहले एग्जाम्पल में देखा, सो फर्स्ट गिव ए नंबरिंग टू कार्बन, डबली बॉन्डेड कार्बन, तो इसका नंबर हो गया 1, इसका नंबर हो गया 2। नाउ ये कार्बन नंबर 1 के साथ कौन सा ग्रुप अटैच है, तो सी अटैच है और यहाँ पे भी सी, तो ये दोनों आइडेंटिकल है, तो जैसा RS कन्फ्यूग्रेशन में होता है तो सेम फंडामेंटल इज अप्लाइड एट हियर। सो इफ दीज टू ग्रुप आर सेम, देन वी हैव टू मूव टू नेक्स्ट एटम, सो योर नेक्स्ट एटम इज क्लोरिन,
हियर नेक्स्ट एटम इज कार्बन। तो जैसा हम सबको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, सो वन नंबर ऑफ प्रायोरिटी विल बी गिवन टू असाइल क्लोराइड ग्रुप एंड सेकेंड नंबर ऑफ प्रायोरिटी गिवन टू दिस ग्रुप। ओके, सो सेम वे फॉर कार्बन नंबर टू, यहाँ पे भी सीओ ग्रुप है, यहाँ पे भी सीओ ग्रुप है, देन वी मूव टू नेक्स्ट, यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे नाइट्रोजन है नेबर में, तो ऑक्सीजन का प्रायोरिटी और एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो वन नंबर और फर्स्ट प्रायोरिटी गिवन टू ऑक्सीजन, सेकेंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द अमीनो ग्रुप। नाउ आप जैसे आप देख पा रहे हो तो प्रायर ग्रुप आर ऑन इन सेम प्लेन, तो इसका कन्फिग्रेशन होगा जेड कन्फिग्रेशन। सो ऐसे ही जेड कन्फिग्रेशन दिया जाता है। ये और एक एग्जाम्पल लेते हैं, ओके, ये एक एग्जाम्पल हो गया। तो जैसा कि रूल्स है तो फर्स्ट क्या करना है आपको, नंबरिंग देना है, तो इसका नंबर आएगा वन, इसका नंबर आएगा टू। नाउ चेक कार्बन नंबर वन कौन सा प्रायर ग्रुप है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो सी है, यहाँ पे भी सी है, लेकिन यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सी सिंगल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड हैंगे मोर प्रायोरिटी, तो इसका नंबर आएगा प्रायोरिटी नंबर वन, इसका आएगा प्रायोरिटी नंबर टू। सो कार्बन नंबर वन पे प्रायोरिटी डिसाइड हो गई है। नाउ लेट अस मूव टू कार्बन नंबर सेकेंड, यहाँ पे सी ट्रिपल बॉन्ड एन है और यहाँ पे सिंपल सी एच थ्री है, तो इसका प्रायोरिटी आएगा वन, इसका प्रायोरिटी आएगा सेकेंड। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो तो टू बल्की ग्रुप और टू प्रायर ग्रुप आर अपोजिट टू ईच अदर, तो उसका कन्फिग्रेशन आएगा ई कन्फिग्रेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।